गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। 27 फरवरी बड़ा रविवार विजया एकादशी के दिन जीवन में अगर आप विजय की प्राप्ति करना चाहते हैं, कोई कार्य आपका सफलतापूर्वक नहीं हो पा रहा है, तो विजया एकादशी के पावन दिन पर सूर्यदेव के जल के लोटे में डाल दे एक अद्भुत चीज, जिससे आपके जीवन में तेज की प्राप्ति होगी और आपके जो भी कार्य नहीं हो रहे हैं, असंभव वाले कार्य भी आपके संभव हो जाएंगे। विजय एकादशी पर विजय को प्राप्त करने वाली एकादशी कहा जाता है। जीवन में कई समस्याएं आती हैं जो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं। कई प्रयत्न करने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है, और यदि कई दिनों से रोग की उत्पत्ति हो रही है, रोग भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आपको भगवान सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। सूर्य की उपासना से जीवन में तेज आता है, जीवन में तेज की प्राप्ति होती है, और इसी तेज से दुखों को, रोगों को शांति मिलती है, वो सब दूर हो जाते हैं। जिस एकादशी के नाम से ही प्रतीत होता है विजय को प्राप्त करने वाली एकादशी, यानी कि विजया एकादशी। विजया एकादशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी की सुबह 10:39 से हो जाएगा और समापन 27 फरवरी की सुबह 8:12 पर होगा। एकादशी का व्रत उदया तिथि के हिसाब से ही रखा जाता है, तो ऐसे में एकादशी का व्रत 27 फरवरी को रखा जाएगा। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करने का विधान हमारे शास्त्रों में है। घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं, और इस बार की विजय एकादशी रविवार के दिन है, यानी कि कल रविवार के दिन है, तो भगवान सूर्य नारायण को रविवार का दिन समर्पित होता है। आज जो उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, ये आपको सूर्य देव को अर्घ्य किस प्रकार से देंगे आप, क्योंकि एकादशी के इस उत्कृष्ट दिन पर रविवार और रविवार सूर्य नारायण का वार होता है, और सूर्य देव की उपासना करने से हमारे जीवन में तेज की प्राप्ति होती है और नकारात्मक शक्तियों का क्षय होता है और हमारे जीवन के हर कार्य संभव होने लग जाते हैं। सूर्य देव का तेज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य देव की कृपा प्राप्त होने से हमारे जीवन के हर कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए सूर्य देव की आराधना हमें श्रेष्ठ बताई गई है। हमें सूर्य नारायण को अर्घ्य देते समय हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से विधि करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में जो भी चीज़ बताई जाएगी, अगर उस विधि से आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, तो आपके जीवन में निश्चित ही इतना तेज आएगा कि आपके जीवन के हर कार्य होते जाएंगे। सनातन धर्म में 5 देवों में से सूर्य देव भी माने गए हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। ये मनुष्य के जीवन में मान सम्मान, पिता पुत्र और सफलता का कारक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम बात करें तो सूर्य हर माह में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस तरह 12 राशियों में सूर्य एक वर्ष में अपना चक्रव्यूह पूरा करते हैं। सूर्य को आरोग्य दाता माना गया है। सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा पाने के लिए और कुंडली में सूर्य की अनुकूलता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सूर्य को वैसे तो जल अर्घ्य जरूर देना चाहिए, लेकिन कुछ विशेषकर दिन होते हैं जैसे एकादशी और रविवार, ऐसे शुभ संयोग पर तो आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए, ताकि आपके जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाएं। इस बार सूर्य देव को अर्घ्य देने से आपके जीवन में, समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। शास्त्रों की अगर हम बात करते हैं तो देवी देवताओं की जो संख्या है वो 33 कोटि है, लेकिन इन सभी देवी देवताओं में से सूर्य और चंद्र दो ही ऐसे देवता हैं जो इस पृथ्वी से दृश्य होते हैं, यानी कि हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम भावपूर्वक नमन कर सकते हैं, जिन्हें हम आँखों से निहार सकते हैं, इसलिए सृष्टि के आरम्भ से ही मनुष्य इन दोनों की पूजा करते आ रहा है। चलिए अब जानते हैं कि आज के दिन आपको किस प्रकार से अर्घ्य देना चाहिए। आज हो सके तो आज के दिन आप नहाने के पानी में या तो एक चुटकी हल्दी मिला करके नहाएं, या तो काले तिल डाल करके नहाएं, कुछ दाने 3 दाने काले तिल के डाल करके नहाना चाहिए, साथ ही साथ या तो आप लाल कुमकुम भी डाल करके नहा सकते हैं, ये आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि कराएंगे। आज हो सके तो वैसे तो लाल रंग के या पीले रंग के वस्त्र ही पहन करके आपको पूजन करने चाहिए, बहुत ही अद्भुत माना जाता है, ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर आपको जल भरना है और भगवान सूर्य का पूजन करना है। देखिए, तांबे के पात्र बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो आप किसी भी पात्र के अंदर आप तांबे का धातु कुछ भी आप डाल करके सूर्य देव को आप उससे अर्घ्य दे सकते हैं। आपको करना क्या है, आपके घर के ईशान कोण में आपको एक पाट लगाना है और उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाना है
और उसके ऊपर आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो रखने हैं। स्थापित करनी है उनकी प्रतिमा है तो उन्हें भी आप स्थापित कर सकते हैं। अब आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करना है। अब आपको ये जो जल का पात्र है भगवान के सामने रख देना है। साथ ही साथ आपको एक दीपक भी प्रज्वलित करना है जो घी का दीपक होगा और उसके अंदर भी आपको एक चुटकी हल्दी मिला देनी है। भगवान के सामने आपको गुड़ का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन वैसे तो पीली चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, तो अगर पीला मिष्ठान भी है तो आप वो भी भोग में लगा सकते हैं। साथ ही साथ पीले पुष्प आपको अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। लेकिन जब आप मंत्र का जाप कर रहे होंगे तब आपके सीधे हाथ में आप थोड़ा सा गुड़ ले लें और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब आपको क्या करना है, 108 बार जाप करने के बाद इस गुड़ को उस जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। अब आप उसके अंदर लाल सिंदूर भी डाल सकते हैं, हल्दी भी डाल सकते हैं, एक लाल पुष्प भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। ये सब आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि कराएंगे। ध्यान रखें, आप काले तिल भी डाल देते हैं, कम से कम 11 दाने भी डाल देते हैं, तो इससे आपके रोगों का क्षय होता है। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं तो इनकी महत्वता कई गुना है। तो आप काले तिल भी आप अर्ध्य के लोटे में डाल सकते हैं। सूर्य को अर्ध्य देते समय सबसे पहले सूर्य देव को प्रणाम करें। ये जो लोटा है इसके अंदर सूर्य देव की रोशनी जानी चाहिए। सूर्य देव को प्रणाम करें और सूर्य देव से प्रार्थना करें कि इस एकादशी के इस पावन दिन पर, रविवार के इस उत्कृष्ट दिन पर, आपकी आराधना से मेरे जीवन में तेज आए। मेरे जीवन में जो भी तकलीफ है, जो भी अशुभ कार्य हैं, वो सब शुभ हो जाएं और सब कार्य संभव हो जाएं। और सूर्य देव को अर्घ्य देते समय आपके जो दोनों हाथ हैं आपके मस्तक से ऊपर होने चाहिए और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना है। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको 12 बार जाप करना है और सूर्य देव को अर्घ्य देना है। थोड़ा सा अर्घ्य दें फिर रुकें, फिर अर्घ्य दें फिर रुकें। इस प्रकार से आपको 3 बार अर्घ्य देना है और 3 बार आपको रुकना है। जैसे ही सूर्य देव को आप अर्घ्य देंगे वैसे ही ध्यान रखें जल की जो धारा है उस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी और वो आपके शरीर पर पड़नी चाहिए। ऐसा करने से आपको सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में कभी भी कोई भी रोग संकट उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी तकलीफ उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार से आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए। अगर आपके लोटे में कुछ भी चीज़ रह जाती है तो आपके सीधे हाथ से निकाल करके उसी जल वाले स्थान पर आपको रख देना चाहिए। अब आपको सूर्य देव के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस प्रकार से आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए ताकि जीवन में तमाम मुसीबतें, तमाम तकलीफें सूर्य देव को जल देने से वो दूर हो जाती हैं। आपके जीवन में तेज आ जाएगा और हर कार्य आपका संभव होने लग जाएगा। हर जगह मान सम्मान ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। सूर्य देव को अर्घ्य देने से हमारी तमाम तकलीफें दुख दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको एकादशी के पावन दिन पर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।